हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो क्लास टेंथ की जो इकोनॉमिक्स है उसका हम चैप्टर थर्ड डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मनी एंड क्रेडिट। मनी का मतलब होता है, अगर हम इकोनॉमिक्स वर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो मनी को हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा, मुद्रा, या आप इसे जो हम लोकल भाषा यूज करते हैं उसमें हम रुपया पैसा कहते हैं। तो ये होता है आपका मनी, या हम मनी को करेंसी के नाम से भी जानते हैं, करेंसी के नाम से। तो क्लास टेंथ का जो हमारा तीसरा चैप्टर, उसमें हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम मनी और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो मुद्रा है उसका, मुद्रा किसे कहते हैं, मनी किसे कहते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो कम्योडिटी है एक्सचेंज सिस्टम, मतलब जिसमें हम वाटर सिस्टम, जो हमारा बटर सिस्टम होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स के बारे में, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। करेंसी ऑफ इंडिया या मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का जो RBI है, यानी कि जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिपॉजिट इन बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, या हम डिमांड डिपॉजिट की बात करेंगे, चेक जो फैसिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे लोग क्या है, चेक कब यूज करते हैं, किसके लिए, पेमेंट के लिए। अभी अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो आपको क्या है, UPI ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया, अलग अलग डिफरेंट काइंड के जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके बारे में। फिर हम मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हम डिस्कस करेंगे लोन जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं बैंक के, क्रेडिट किसे कहते हैं, क्रेडिट एज अ असिस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट, जो डेबिट, जो डेबिट ट्रैप होता है, ट्रैप का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से जाल, यानी कि किसी को कर्ज के द्वारा क्या है, जाल में फंसा लेना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान आज के डेट में क्या है, एक डेबिट ट्रैप में फंसा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सर्कमस्टेंस देखेंगे जो लीडिंग है डेबिट ट्रैप, कंडीशंस ऑफ लोन, या जो हम बात करते हैं क्रेडिट वर्थनेस, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। या आप बात कर लीजिए डाइवर्स क्रेडिट सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या रीजन ऑफ नॉट रिपेइंग लोन्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल एंड जो फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर है हमारे देश के अंदर, यानी कि जो 2012 का जो डाटा है, क्रेडिट सोर्स फॉर जो 1000 रूरल फैमिलीज इन इंडिया वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल, यानी कि जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा फॉर्मल सेक्टर का और इनफॉर्मल सेक्टर का, किसके लिए, क्रेडिट सेक्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेल्प और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक क्या है आज की वीडियो में, यानी कि आज के चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मनी के बारे में, जिसे हम करेंसी या आप हिंदी में इसको मुद्रा कह लो, या हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इकोनॉमिक। तो देखिए करेंसी क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है जो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज प्रोसेस में करते हैं। यानी कि जो आपका करेंसी है वो क्या होता है, एक इजी टू एक्सचेंज होता है, इजी टू एक्सचेंज, या जो आसानी से बदला जा सके। एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपको क्या है, एक बुक खरीदनी है। तो आपको जो बुक रिक्वायरमेंट है, आप जब इसे 100 रुपए दोगे और ये बदले में आपको क्या देगा, एक बुक दे देगा, यानी कि जो एक पर्सन है ये 100 रुपए पे करेगा और बदले में क्या ले लेगा, एक बुक ले लेगा अगर इसको बुक की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एक्सचेंज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा करेंसी कहलाएगा। और देखिए अगर हम मनी की बात करते हैं तो इसको रीऑर्गेनाइज, इसकी जो मान्यता है वो कौन देता है, गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है करेंसी की क्या वैल्यू होगी। या जैसे आप भी आप देख लो, जो ओल्ड आपका 500 का जो नोट है, यदि आप वो पुराना 500 का नोट
या पुराने 1000 रुपए का नोट अगर लेके मार्केट में जाओगे तो वो उसको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा इसको, यानी कि उसके बदले में एक्सचेंज करके कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो इसकी वैल्यू है वो क्या कर रखी है, खत्म कर रखी है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रखा है। तो सरकार ही डिसाइड करता है करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अगर 100 रुपए की करेंसी है, 100 रुपए का नोट है, तो इसकी वैल्यू जो 100 रुपए है वो किसके द्वारा फिक्स किया गया है, तो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है। तो जैसे कि हमारी कंट्री में नोट प्रिंट करने का काम कौन करता है, RBI के द्वारा किया जाता है। तो देखिए अगर हम मनी की बात करते हैं तो जो कैपिटल है, हम इसको कैपिटल भी कहते हैं, या आप मनी को क्या किस नाम से जानते हो, कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो हमारे मनी है, तो मनी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो मनी हमारा वही कहलाता है, जिसके बदले में हम कोई भी फैसिलिटीज होता है, यानी कि कोई भी गुड्स हो गया या कोई भी जो सर्विसेज हो गया उसको हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। या अगर हम बात करते हैं, ये अलाउंग करता है एक इन्वर्ट टू इजीली एक्सचेंज करेंसी फॉर प्रोडक्ट, यानी कि हमें कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अभी बताया, या मान लीजिए आपको किसी को बुक की रिक्वायरमेंट है, तो बुक की जो प्राइस है वो प्राइस पे करके वो क्या कर सकता है, बुक को खरीद सकता है। या आप किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, आपको मान लीजिए मैगी लेना हो, तो मैगी के लिए आप क्या करते हो, 14 रुपए पे करते हो, शॉपकीपर ये 14 रुपए एक्सेप्ट करके इसके बदले में आपको क्या कर देता है, मैगी दे देता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे आप एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु को ले रहे हो, तो वो आपका कहलाता है मनी। अगला देखिए, देखिए फिर बात करते हैं जो यूजेस हैं, या जो आपको एक्सचेंज सिस्टम, यहाँ पे पहले यहीं पे समझा देता हूँ, यहाँ पे हम वाटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो यूज है मनी की, यानी कि जो पैसे की जो उपयोग होते हैं, मुद्रा का जो उपयोग होता है, उसके बारे में देखिए, जो मनी है, मनी का जो उपयोग किया जाता है वो अनेक प्रकार के जो लेन देन है उसमें किया जाता है। मनी के द्वारा ही हम कोई भी वस्तु को क्या है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोन है और आपको क्या चाहिए इसके बदले में, मान लीजिए आपके पास क्या है, वीवो का फोन है, और आपको इसको बेच करके किसका फोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब ये फोन बेचोगे, सेल करोगे, तो इसके बदले में जो आप अमाउंट एक्सेप्ट करोगे वो आपका क्या होगा, मनी होगा। और इस अमाउंट के बाद अगर आप ये जो आप आईफोन के साथ इसको एक्सचेंज कर लोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक ऐसा यानी कि एक ऐसा प्रोसेस बन जाएगा जिसमें आप क्या करो, किसी भी प्रोडक्ट को क्या है, एक्सचेंज करके उसको खरीद रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, करेंसी बन जाएगा, यानी कि मुद्रा बन जाएगा। या बात करते हैं जिस व्यक्ति के पास भी मनी होता है वह इसका क्या करता है, एक्सचेंज करने के प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को क्या है, आसानी से खरीद सकता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास अभी 10,000 रुपये है, तो आप इस 10,000 की वैल्यू में बहुत से ऐसे आइटम प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। सर्विसेज में जैसे यदि आपने मान लीजिए ट्यूशन के रूप में अपने ले लिया, या हेल्थ सेक्टर के रूप में ले लिया, या आपने बैंक में जाके कुछ पैसे क्या है सेव कर लिया, तो ये आपको तो सर्विस में आ गया। प्रोडक्ट में मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, जैसे कि फ़ोन खरीद लिया या कपड़े खरीद लिए, तो यहाँ पे क्या है, जब किसी भी व्यक्ति के पास जब करेंसी होती है, यानी कि जो मनी होती है, तो उसके द्वारा क्या है, किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस को क्या है, वो आसानी से खरीद सकता है। तो ये फंक्शन देखने को मिलेगा किसका, मनी का, यानी कि जिसे हम मुद्रा कहते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, अगर किसी कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो उसकी टेंशन ना ले, आप इजिली यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी एक्सचेंज सिस्टम, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये हम इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे आप वाटर सिस्टम भी कह सकते हो,
इसमें क्या होता है, हम एक वस्तु के बदले यानी कि एक प्रोडक्ट के बदले हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो हमारा कहलाता है बटर सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, एक्स पर्सन, उसके पास बुक है और उसको रिक्वायरमेंट है कॉपी की, तो वो क्या करेगा, एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको रिक्वायरमेंट हो बुक की और वो एक्सचेंज क्या करे, कॉपी एक्सचेंज कर ले, यानी कि वो बुक लेकर के कॉपी उसको उसके बदले में उसको क्या दे, कॉपी दे। तो मान लीजिए जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बटर सिस्टम। बटर सिस्टम क्यों, क्योंकि ये पर्सन अपना बुक क्या है, इस वाई पर्सन को दे रहा है, यानी कि ये वाई पर्सन इसके बुक को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो ये वाई पर्सन है ये इसको अपना क्या दे रहा है, कॉपी दे रहा है, यानी कि जो नोटबुक है वो दे रहा है, तो ये एक्स पर्सन इसके नोटबुक को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये इसमें क्या है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी कि चेंज किया जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा बटर सिस्टम, इसी को हम कहते हैं कम्युनिटी एक्सचेंज सिस्टम। देखिए इस जो आपका जो बटर सिस्टम है उसके कुछ लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप बटर सिस्टम की लिमिटेशंस की बात कर लो, तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं के बदले जो वस्तुओं का लेन देन होता है, तो इसके वजह से क्या है, उन लोगों को ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जिसको वो वस्तु की रिक्वायरमेंट हो जो एक पर्सन के पास अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक एक्स पर्सन है, इसके पास बुक है और रिक्वायरमेंट है कॉपी की, और यहीं पे एक वाई पर्सन है जिसके पास कॉपी है और रिक्वायरमेंट है बुक की, तो ये ऐसे ही पर्सन को ढूंढेगा जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और इसके पास जो प्रोडक्ट है उसको वो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है, आपका डिफिकल्ट बन जाता है। तो ये आपका क्या है, एक लिमिटेशंस देखने को मिलेगा। या अगर आप बात कर लो कि जो हमारा मनी है यानी कि जो करेंसी है उसके या उसका जो जो वैल्यू है उसके चुनने में, उसको ढूंढने में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। या आप ये भी अगर अगला पॉइंट हो तो उसमें आप ये कह सकते हो जो प्रोडक्ट है उसको भविष्य में यानी कि जो फ्यूचर है उसमें उपयोग करने के लिए उसको क्या है, स्टोर करके लंबे समय तक रखना कठिन हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो भी सर्विसेज होते हैं उसका जो वैल्यू है उसको निर्धारण करना और एक्सचेंज करने में भी क्या आती है, काफ़ी बार कठिनाइयाँ आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक लिमिटेशंस देखने को मिलेगा किसमें, बटर सिस्टम में। तो यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट्स में भी मैंने देख रखा है, आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगा यानी कि एम्यूलेटिंग वैल्यूज में चैलेंजेस देखने को मिलेगा, एक्सचेंजिंग जो भी आपका डिजिबल गुड्स हैं या इशू रिलेटेड स्टोरिंग आइटम्स फॉर फर्दर यूजेस के रिगार्डिंग में, या डबल कोइंसिडेंस की जो नीड होती है, ये सारे क्या है, चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सारे आपको चैलेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए अगर बात करते हैं जो डबल कोइंसिडेंस की जो ज़रूरत होती है, तो देखिए डबल कोइंसिडेंस की जो ज़रूरत होती है वो हर एक पर्सन को, यानी कि अगर हम आवश्यकताओं का, अगर देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स का मतलब है आवश्यकताओं का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो देखिए इसमें बात करें, जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने के लिए क्या है, इच्छा रखता हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बेचना चाहता हो और वही वस्तु जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है, तो ऐसे में क्या है, जो मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो दोहरा संयोग यानी कि जो डबल कोइंसिडेंस है उसको हम डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। जैसे ये एक एक्स पर्सन है, ठीक है, और एक ये वाई पर्सन है, इसके पास आपको देखने को मिलेगा ओप्पो का फोन,
और इसके पास देखने को मिलेगा आपको टैब, या आपका जो टैबलेट होता है। अब इसको रिक्वायरमेंट है फोन की और इसको रिक्वायरमेंट है टैबलेट की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों इंटरेस्टेड है अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि ये टैबलेट देने के लिए तैयार है और इसके पास जो ओप्पो का फोन है ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो इस इवेंट को, इस प्रैक्टिस को कहेंगे हम डबल कोइंसिडेंस, यानी कि जो आपका आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है उसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको जरूरत किसकी थी? टैबलेट की, उसको टैबलेट मिल गया। इसको फोन की जरूरत थी तो उसको क्या मिल गया? फोन मिल गया। तो ये आपका क्या बन गया? डबल कोइंसिडेंस, यानी कि जो दोहरा संयोग है वो बन गया। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं मुद्रा के अतिरिक्त और क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मुद्रा के जो आज के टाइम पे जो अगर हम देखें मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की बात करें तो इसमें आपको क्या है, पेपर नोट्स, क्वाइंस, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको क्या है एक मॉडर्न फॉर्म देखने को मिलेगा। किसमें? करेंसी में, यानी कि मनी या कैपिटल की बात करो तो कैपिटल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल, मशीन भी आपका कैपिटल, लैंड भी कैपिटल में आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल नहीं, करेंसी या मनी वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपकी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी के अंदर आ जाती है। देखिए अगर बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो करेंसी है वो कौन इशू करता है करेंसी के नोट को? गवर्नमेंट, यानी कि बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो वो करता है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री में जो करेंसी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रुपीस, रुपया के नाम से जानते हैं, रुपी के नाम से। और जिसको हम वाइडली क्या है, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर क्या है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये क्या बन जाता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आपको हर एक कंट्री का खुद की करेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप यूएसए की बात कर लो तो डॉलर देखने को मिलेगा। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी क्या है, करेंसी देखने को मिलेगा। जैसे आप बांग्लादेश की बात कर लो तो टका देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री की जो रुपीस है या रुपया है, पैसा जिसे हम कहते हैं। सिंगापुर की बात कर लोगे तो सिंगापुरी डॉलर देखने को मिलेगा। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी क्या होती है, करेंसी होती है। और हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे क्या करती है, उसको इशू करती है, जारी करती है। या अगर हम मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी कि जिसे हम RBI कहते हैं, यानी कि जो हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए तो ये क्या करता है, सरकार की ओर से जो करेंसी है उसको जारी करने का काम करता है। फिर जो बैंक है या जो बैंक के ब्रांच है, यानी कि बैंक के जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, की कार्य प्रणाली, यानी कि जो भी उनका फंक्शन प्रोसेस होता है, जो भी कार्य करते हैं उस पर वो क्या करता है, नज़र रखने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट रेट होता है या जो लोन रेट होता है, यानी कि कितने परसेंटेज पे लोन दिया जाए या कितना परसेंट पे जो ब्याज लिया रखा जाए, इन सबको शर्त की जो निगरानी है, देख रेख है, वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। बैंक से बैंक कितना कैश, यानी कि जो नगद पैसे हैं, नगद कैश जो है अपने पास रखेगा, उनकी सूचना भी कौन रखता है? RBI अपने पास रखता है। या आप लोन की बात कर लो, लोन किस प्रकार से दिया जाएगा, इसकी नज़र, इसका इस पर भी नज़र कौन रखता है? RBI के द्वारा ही रखा जाता है। तो ये आपको फंक्शन देखने को मिलेगा किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए अगर हम डिपॉजिट इन बैंक की बात करते हैं, यानी कि बैंक को अगर आप इसको हिंदी में अगर आप बात करोगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि जो बैंकों में निक्षेप, इसका मतलब है जमा, यानी कि बैंक में जो जमा होता है। देखिए डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना या जमा करना। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? डिपॉजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिपॉजिट। देखिए अगर आप डिपॉजिट की बात करते हो तो जो करेंसी है उसको एक साथ जमा करने का क्या है, बैंक एक अलग
रूप है, यानी कि एक अन्य रूप में है। यानी कि बैंक क्या करता है, वो एक्स्ट्रा मनी, यानी कि जब कोई भी पर्सन बैंक के अंदर में अपनी जो अकाउंट ओपन करवाता है उसके द्वारा क्या कर सकता है, उसके जो एक्स्ट्रा है यानी कि जो सेविंग है उसको वो क्या कर सकता है, बचा करके सेव करके बैंक में रख सकता है। फिर उसके बाद देखिए बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट होता है उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि ब्याज भी देता है। बैंक में जमा किए गए जितने भी जो पैसे हैं यानी कि धन है उसे जमाकर्ताओं के द्वारा क्या है, आवश्यकता अनुसार उसे वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने जो SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आपने 10,000 रुपये सेव किए, बचाए, डिपॉजिट किए, तो इसमें आपको बैंक क्या करेगा, कुछ परसेंट, जैसे कि 7% आपको क्या है सालाना एनुअल आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब इस 10,000 जो आपने डिपॉजिट किए हैं यानी कि जो सेव किया है, ये आप अपनी टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जब आपको नीड है, ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस 10,000 में से पैसे निकाल सकते हैं। आप 2,000 निकाल सकते हैं या 3,000 निकाल सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इस 10,000 में से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने डिपॉजिट ही कितना किया है, 10,000 किया है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, डिपॉजिट बैंक देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें यानी कि जो मांग जमा है, यानी कि जो डिमांड है डिपॉजिट का, तो इसमें जो बैंक खाते हैं यानी कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो जमा पैसे हो, यानी कि जो पैसे जमा होते हैं उनको मांग के जरिए क्या है, निकाला जा सकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं मांग जमा। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं चेक फैसिलिटी। देखिए चेक फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि क्या है, एक कैशलेस पेमेंट है। चेक फैसिलिटी आपका क्या है, जो आपका कैशलेस फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। कैशलेस फैसिलिटी क्यों है, यानी कि एक कैशलेस पेमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक चेक के थ्रू, यानी कि जो बैंक को, जब बैंक किसी भी आदमी को खाते से क्या है चेक पर लिखे नाम कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा को शेष जो भी रकम है वो जब उस चेक में अमाउंट भरी जाती है तो उसको उसके जरिए क्या है वो उससे जो पैसे निकाल सकता है उसे हम चेक फैसिलिटी कहते हैं। मैं एग्जांपल से भी इमेज लगा के आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चेक की फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, उस पर्सन का नाम लिखा रहता है जिसके नाम पे चेक काटा हुआ रहता है। मान लीजिए एक एक्स, इस एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को 10,000 का अमाउंट का क्या है चेक काट के दिया वाई पर्सन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाई पर्सन का नाम रहेगा, यहाँ पे वर्ड में 10,000 लिखा हुआ रहेगा, 10,000, और यहाँ पे इस तरीके से अमाउंट फिल करके लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपका जो भी डेट है वो, और यहाँ पे सिग्नेचर के फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से जो आपको क्या है, ये एक आपको क्या देखने को मिलेगा, कैशलेस जो पेमेंट फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, हम इसे कहते हैं चेक फैसिलिटी। तो इसे हम क्या कहते हैं, चेक फैसिलिटी, यानी कि जो अगर हम चेक की सुविधा बात करते हैं तो एक ऐसा पेमेंट सिस्टम होता है जिसमें हम कागज के जो नोट होते हैं उसका यूज नहीं करते हैं, जो बैंक को किसी भी व्यक्ति के खाते से जो चेक पर लिखे हुए नाम कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को शेष रूप से जो रकम भुगतान है यानी कि जो पेमेंट फिल किया रहता है उसका आदेश देता है, तो उसके द्वारा बैंक क्या करता है उसको पैसे दे देता। जैसे कि इस एक्स पर्सन ने क्या है वाई पर्सन के लिए 10,000 का चेक बनाया और वो चेक वाई पर्सन ने जाकर के बैंक में दे दिया, जिस बैंक का भी चेक है, मान लीजिए SBI का उसने चेक बना के दिया, वो SBI के बैंक में गया और वो चेक दिया, तो बैंक क्या करेगी उसे वो 10,000 रुपये निकाल करके रकम दे देगी। तो ये फैसिलिटी आपकी क्या कहलाती है, चेक फैसिलिटी कहलाती है। देखिए अगर हम मॉडर्न बैंकिंग की बात करें तो मॉडर्न बैंकिंग में क्या है आपका
जो भी डिपॉजिट है वो क्लोजली लिंक रहता है किसके, कंटेम्प्रोरी बैंक बैंकिंग सिस्टम से, यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हो आधुनिक आधुनिक बैंकिंग बैंकिंग प्रणाली। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी पैसे होते हैं और जो जमा होते हैं का जो आधुनिक रूप से क्या है, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से क्या होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आप बैंकों की जो लोन सिस्टम है, अगर आप उसके बारे में बात कर लो, यानी कि जो लोन एक्टिविटीज है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, हम आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी जो लेक्चर टू है, लेक्चर टू में हम क्या करेंगे, बाकी के जो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी चीज़ हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब हम अपना लेक्चर टू डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, तब जा करके हम आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद, और सुबह 6 बजे आपको क्या है, करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। चलिए, टेक केयर।